हेलो। हाँ सर, सर एक्चुअली मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी कुछ जी 7-8 महीने पहले। हाँ जी जी सर एक्चुअली मेरे को IBS का इशू था, बट बीच में कुछ मैं 10-15 दिन किया था जो आपने मेरे को प्रोसीजर बताया था, लेकिन बाद में फिर थोड़ा छूट गया। तो मैं पिछले 15 दिन से सर मैं कर रहा हूँ जो आपने नया हाइड्रोजन साइकिल खोला ना, तो वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन सर क्या है कि मेरे को आपने लास्ट टाइम बोला था कि 2 टाइम खाना खाना है। नहीं, 3 टाइम खाइए ना, उसके हिसाब से, नए वाले के हिसाब से। हाँ अच्छा, 3 टाइम ही खाना सर, हाँ 3 टाइम खाइए। क्योंकि क्या हो रहा है हफ्ते में दो एक टाइम बार दो खाना। टाइम खाना खा सकते हैं, बाकी बाकी दिन तो 3 टाइम खाइए। अच्छा, नहीं क्योंकि मैं लास्ट टाइम वो फॉलो किया था, तो क्या हो रहा था कि मैं 2 टाइम कर रहा था, तो जैसे सुबह मैंने खा लिया ब्रेकफास्ट, तो 3-3.5 दिन के बाद ऐसी भूख लगेगी कि वो मेरे को गैस बन जाएगी और हेडेक स्टार्ट हो जाएगा मेरे को। हाँ हाँ ठीक है, 3 बार ही खाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप 2 टाइम मत करिए। अच्छा सर, एक्चुअली ये मेरे को ये IBS के साथ में मेरे को थोड़ा हाई BP रहता है सर, 150/100 रहता है। रहने दीजिए, कोई बात और नहीं, हाँ उसका कुछ मत करिए, उसकी कोई मेडिसिन मत लीजिए, वो भी अपने आप ठीक हो नहीं, जाएगा मेडिसिन बिल्कुल। मैं नहीं लेता, मैं नहीं ले रहा सर अभी तक, मतलब कुछ ले नहीं रहा। हाँ वो भी सीधे ठीक हो और जाएगा। अच्छा ठीक है। और सर मेरा एक्चुअली लास्ट एक्चुअली क्या, मेरा वेट थोड़ा सा ना ज्यादा हो गया है, 70 के ऊपर हो गया है अभी सेवेंटी हाइट वेट। कितनी है? हाइट मेरी 159 सेंटीमीटर है सर। अच्छा 159 है, तो 159 159 सेंटीमीटर, 5'4" के करीब है ना? 5'3" 5'4" हाँ 5'3 सर, 5'3। 5'3" है तो ठीक है, आपका वेट भी इसी से कम हो जाएगा। आपका जो वॉक एंड रेस्ट है ना, हाँ वो उसमें तो कर रहा हूँ सर मैं। 15 बार ही लिखा है, तो आपका फर्क पड़ चुका होना चाहिए, 1-2 किलो अगर आप 15 दिन से ठीक कर रहे हैं तो। हाँ मतलब मेरा 1 किलो, मेरे को लग रहा है कि 1 किलो कम हुआ है सर, 1.5 किलो, आप देख लो, अभी 15 दिन में शुरू तो में तो 72 ज्यादा कुछ हो तेजी गया से था होता नियर है। बाय। हाँ ज्यादा तेजी से होता है, शुरू में तो 2 किलो भी हो चुका होना चाहिए 15 दिन में तो। अच्छा नहीं, एक्चुअली मैं क्या किया, पहले हफ्ते मैं वो पुराना वाला साइकिल कर रहा था, फिर मैंने देखा कि नया साइकिल है, तो फिर मैंने इस हफ्ते नया साइकिल चला दिया, आज 7th डे है। लेकिन सर बीच में क्या हुआ, 1-2 दिन मैंने चाय वाय पी ली गलती से। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी कोशिश करिए पूरी तरीके से फॉलो करने के लिए, तो मुझे लगता है कि महीने भर में 2-3 किलो का तो फर्क पड़ जाता है इससे। हाँ सर, लेकिन ये जो आपका जो ये जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम क्या है सर, जैसे कि अगर मैं जैसे सुबह उठकर पानी नहीं पीता हूँ, तो मेरे को पूरा दिन मेरे को पूरा हैवी फील होता रहेगा, पूरा भारी 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 पूरा। अब नेचुरल जो प्रेशर वॉक एंड आएगा, रेस्ट 15 बार ही हाँ करते हैं रेगुलरली? हाँ सर वो तो मैं कर रहा हूँ। 15 बार ही पूरा हो रहा है? हाँ 15 बार ज्यादा ही, मतलब 15 तो जो मैं करता हूँ जो डेडिकेटेड टाइम में वो तो कर रहा हूँ, बाकी मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग रहता है उसमें भी मेरा थोड़ा बहुत 50% सिस्टम में काम रहता है, 50% मेरे को शॉप फ्लोर में जाना पड़ता है, तो उधर भी थोड़ा हो जाता है मेरा, ज्यादा ही रहता है मेरा, तो डेली 15,000 स्टेप्स होते हैं एक्चुअली। 8,000 स्टेप से ज्यादा मत करिए, अच्छा अगर आप ज्यादा करेंगे उससे भी वेट लॉस नहीं होगा, उससे भी फिर वेट बढ़ सकता है उल्टा। ओके आपको जित मतलब एक एक राइट क्वांटिटी होता है वॉक एंड रेस्ट में, वो ही करेंगे तभी फायदा होगा, अगर आप ज्यादा चलेंगे तो भी नुकसान होगा, क्योंकि आप थक जाएंगे, आपका मेटाबॉलिक रेट फिर गिरना शुरू हो जाएगा। ओके तो 8,000 स्टेप्स को कभी भी किसी भी तरीके से क्रॉस मत करिए। अगर आप घर में करते हैं, जैसे डेडिकेटेड टाइम है, तो कोशिश करिए उसको भी जितना स्प्रेड कर सकें, जैसे आप सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करें कम से कम, हाँ और 6 से जब तक ऑफिस जाते हैं 9 बजे तक जाते हैं, तो हर 15-20 मिनट में कम से कम 5 मिनट चलें, लगातार मत करें, तो पूरे ओके घंटे में 2 से 3 बार चलेंगे, तो आप 3 घंटे में 8-9 बार हो जाएगा। इसी तरह अगर 6-7 बार भी, अगर 3-3 बार भी करेंगे 3 घंटे, तो ओके भी ठीक 6 बार तो हो ही जाएगा, अगर 2 बार भी करेंगे आधे आधे घंटे में तो। और इसी तरीके है। से रात को आने के बाद भी 3-4 घंटे होते हैं, उसमें भी आधे आधे घंटे में कर लीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना है उसको ज्यादा टाइम में स्प्रेड करेंगे उतना अच्छा ओके करेगा। ओके अपने आप को किसी भी तरीके से थकाना नहीं है, ओवर एग्जर्ट नहीं करना, क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां क्रोनिक होती हैं, इसमें सबसे पहले तो आपका एनर्जी लेवल कम हुआ होता है, और आप जितना उसको फिजिकल एनर्जी को वेस्ट करेंगे उतना ही आपका और ज्यादा कम होता जाएगा। ओके तो मेरे को सर वही है, एक IBS इशू है, हाई BP का रहता है, और थोड़ा बहुत मेरा हेयर फॉल भी हो रहा है सर, ज्यादा 1 महीने से थोड़ा ज्यादा हो गया है। हेयर फॉल का आपने देखा नहीं? नहीं सर मैंने देखा नहीं। हाँ आप तेल लगाते हैं सर में? तेल लगाता हूँ सर, कब से लगाते हैं? तेल तो मैं लगा ही रहा हूँ, जब से जब मैं नहा के आता हूँ, तो नहाने के बाद कमी करने से पहले तेल लगाता हूँ।
देखिए, अगर आपको हेयर फॉल को 4 दिन के अंदर बंद करना है और 15 दिन के अंदर आपको हेयर ग्रोथ चाहिए कि आपके बाल उगने शुरू हो जाएं, तब आप जिंदगी के अंदर कभी भी कोई तेल और शैम्पू मत लगाइए। ओके, शैम्पू तो नहीं लगाता बट तेल लगाता हूँ सर। हाँ, बिल्कुल भी नहीं लगाइए, पूरी लाइफ में एक बार भी मत लगाइए। ठीक है सर। और कुछ दिनों के लिए क्या करें कि सुबह जैसे उठते हैं, उठते ही सबसे पहले मुंह और सर में पानी डालिए। अच्छा। और पानी डालने के बाद टॉवल लेके उसको हल्के हल्के मसाज करते हुए मतलब सुखा लीजिए, बाल सुखा लीजिए। एक मिनट के लिए मसाज करना है, हल्का हल्का टॉवल के साथ, कॉटन का टॉवल होना चाहिए। ओके। और वो कॉटन का टॉवल रोज धुलना चाहिए। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद फिर दोबारा पानी से गीला कर लीजिए, फेस पर भी कर लीजिए और सर में भी कर लीजिए। ओके। फिर उसके बाद जब नहाएंगे तो आप रोज के रोज साबुन से अपना सर धो लीजिए, लक्स सोप से। लक्स, ओके। ठीक है। और तेल बिल्कुल नहीं लगाइएगा। उसके बाद जब भी आप बाल गीले करेंगे या साबुन से धोएंगे तो उसके बाद हर बारी टॉवल से 1 मिनट के लिए हल्का हल्का मसाज करिए। हमारा पर्पज क्या होगा कि जो आपका स्काल्प है उस स्काल्प में ऑयल निकलता है, जो कि वो ऑयल आप तेल लगाते हैं ऊपर से तो धीरे धीरे करके हमारे स्काल्प के अंदर वो ऑयल जमा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है, जो डेंड्रफ की फॉर्म लेता है। या दूसरा काम ये करता है कि जो नीचे से न्यूट्रिएंट आना होता है ब्लड सप्लाई के थ्रू, वो उसको बंद कर देता है। ओके। तो हमें वो जो ऑयल जमा हुआ है हमारे स्काल्प में उसको निकालना है। तो आप 3-4-5 बारी जब इस तरीके से करेंगे तो पहली बार तो 4 दिन के अंदर डेंड्रफ जीरो हो जाएगा। उसके अलावा जब आपके बाल सूख जाए अच्छे से तो आप सर को झुकाकर आगे की तरफ हल्का हल्का फिंगर टिप से उसको मसाज करें, तो जितना डेंड्रफ अगर होगा, अगर नहीं अभी आ रहा तो भी वो अगर बाद में आता है तो डेंड्रफ निकल जाएगा। और पहले दिन सर फिर बाल ये जो मसाज करना है बालों को करना है कि जड़ पे करना है? स्काल्प को करना है, बालों से कोई मतलब नहीं है। बाल स्काल्प में करना। ओके, स्काल्प में करना है, बाल को तो कुछ नहीं करना। तो स्काल्प को करेंगे तो बाल भी हिलेंगे ऑब्वियसली। तो अब जब आप इस तरीके से करेंगे तो डेंड्रफ जो है पहले दिन, जैसे आज शुरू करते हैं तो आप सर झुकाएंगे ना जब बाल सूख जाएंगे 2-1 बारी के बाद, तो आप देखिएगा डेंड्रफ निकल रहा है नहीं निकल रहा है, कितना निकल रहा है। ओके। और अगर आज नहीं निकल रहा किसी वजह से तो कल भी देखिएगा, क्योंकि ऑयल की वजह से कई बार वो छुप जाता है। तो आपका दूसरे तीसरे दिन में अच्छे से वो निकलेगा डेंड्रफ, तो उसको पूरा निकाल दीजिए। 4 या 7 दिन के अंदर अंदर आपका डेंड्रफ परमानेंटली लाइफ के लिए खत्म हो जाएगा। ओके। और 15 दिन के अंदर आपको हेयर ग्रोथ भी दिख जाएगा और जो हेयर फॉल है वो 4 से 7 दिन के अंदर परमानेंटली रुक जाएगा। उसके बाद आप बाल पूरी जोर से पकड़ के खींचोगे तो भी एक बाल नहीं निकलेगा। ओके। तो सर मेरे को सुबह 2 बार करना है मुंह और सर पे, 2 से 3 बार करिए जितना टाइम होता है आपको। मुझे नहीं पता कितने बजे उठते हैं तो आपके शेड्यूल के हिसाब से, और रात को आने के बाद जहाँ ऑफिस से आने के बाद भी 3 बारी करिए सोने तक। साबुन एक बार लगा दें नहाते हुए। ओके, ठीक है। ओके, और बाकी टाइम मसाज करना है कॉटन टॉवल से। हाँ, बस 1-1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं करना। आपकी स्काल्प में इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, इतना हल्का करना है। ओके ओके। और पर्पज यही रहेगा कि जो हमारा जमा हुआ तेल है वो टॉवल में आना चाहिए। और टॉवल तो आप 4-5 बारी इस तरीके से करेंगे तो टॉवल एकदम से मुलायम हो जाएगा, ऑयल आ जाएगा। तो उसको धोएंगे तो उसके बाद फिर दोबारा से वो ऑयल खींचेगा। अगर आप उसी को यूज करते रहेंगे तो उतना ऑयल खींचेगा नहीं। ओके ओके ओके। और इसका फीडबैक दीजिएगा पूरा अच्छे से। अगर हो सके तो किसी को बोल के फोटो वगैरह भी खिंचवा लीजिए कि आपके बाल कितना है, और फिर 15 दिन बाद बताइए क्या क्या चेंजेस हुआ। अगर कोई व्हाइट है तो उसमें कितना ब्लैक हुआ, कितना आया, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ग्रे तो है सर मेरा, एक्चुअली ग्रे तो मेरा एक्चुअली मेरा 11th स्टैंडर्ड से, जब मैं 11 साल मतलब 11th में पढ़ता तब से मेरा ग्रे है। तो अभी तो ज्यादा दिखता है, ज्यादा। हाँ, अभी तो आपका एज भी ज्यादा नहीं ना, तो आपको अपने आप से उसमें भी फर्क दिखाई देने लगेगा 15 दिन में। आपको अपने आप एज मेरा सर 37 हो गया है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, एज कम्पेयर टू मेरे से तो आप अभी 22 साल छोटे ना, 21-22 साल। ओके ओके। तो आपको तो फर्क जल्दी पड़ेगा और आपको 15 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कि आपके कितने बाल काले हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इस प्रोसेस में काले भी हो जाएंगे सर? हाँ हाँ बिल्कुल। आपको पूरे अच्छे से फोटो वोटो खिंचवा लीजिए किसी से और फिर कंपेयर कर लेना 15-20 दिन के बाद। ठीक है सर। और मुझे वो भी चाहिए। और उसके बाद आप नेक्स्ट जब कॉल करेंगे ना तो एक तो कुछ फीस देने का कभी सोचिएगा, और दूसरा काम करिएगा, दूसरा काम है कि जूम मीटिंग करेंगे और जूम मीटिंग पर आपके वीडियो के साथ में रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डालना है। अच्छा, ठीक है। तो उसका भी प्लान करिए अगले 2-4 दिन में, जब भी आपको टाइम मिले तो।
सर एक्चुअली जूम में एक्चुअली मैं चाहता नहीं कि मैं अपना वो दिखाऊं अपने बारे में। चाहना पड़ेगा ना, मैं भी तो चाहता हूँ ना कि मेरा भी काम बढ़े, तो मैं अपना काम को सफर करा के तो नहीं करूंगा ना किसी की कॉल से। एटलीस्ट मैं करा दूंगा सर, बट अगर आप मेरा चेहरा जूम ब्लर कर देंगे तो। सर कुछ नहीं होता, ये छोटी छोटी चीजें, ये जो प्राइवेसी का लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, इसकी वजह है, इसी वजह से दुनिया सफर कर रही है। आप ये सोचो कि आप जैसे कितने लोग होंगे जिनका 11वीं में बाल स्टैंडर्ड में बाल सफेद होना शुरू होता है, झंडा शुरू होता है, और दिन रात उनकी नींद उड़ जाती है। मैं पेशेंट्स की कॉल अटेंड करता हूँ, मुझे पता है कि लोग कितना परेशान करते हैं। छह मतलब लड़कियां हैं, बाल ऐसे टूटते हैं, हाथ भी सर में लगाते हैं, बाल हाथ में आते हैं, सुबह सुबह 7 बजे कॉल आनी शुरू होती है, रोने वाला हाल होता है उन लोगों का। और फोटो आने से कुछ नहीं होगा, आपकी शादी हो चुकी है, आपको किस चीज की चिंता है? ये तो एक मन में धारणा बना रखी है प्राइवेसी का, कुछ नहीं है सर। मैं इतना कुछ अपने बारे में बोलता हूँ, अपने फैमिली के एक एक छोटी छोटी बात के बारे में लिखता हूँ। जब तक हम ओपन नहीं होंगे तब तक ये लूटते रहेंगे। आज की डेट में हेयर, अभी कल ही किसी से बात हो रही थी, और भी कई लोगों से बात हुई, 700-700 रुपए का 60 ml का ऑयल आता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। 4-4 महीने बाद वो बोलते हैं फर्क पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ 15 दिन के अंदर, क्या 4 दिन के अंदर फर्क पड़ेगा आपको। और उसके बावजूद आप उसको प्रमोट नहीं करना चाहते, हेल्प नहीं करना चाहते। आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान होगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट फर्स्ट टारगेट इज टू हेल्प पीपल एंड सेकेंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी। देखिए आपकी आसपास जितने लोग जानते हैं, हर एक को आपकी कंडीशन के बारे में, आपके हर चीज के बारे में मालूम है। तो उस चीज को छुपाने से कुछ होता ही नहीं है। अब ये प्रॉब्लम हर जगह 50% लोगों के साथ आ रही है कि वो नहीं चाहते वीडियो में बात करना, परंतु आई वांट टू फोर्स इट। मतलब मैं उसको अब मैं धीरे धीरे करके कॉल अटेंड करना बंद कर दूंगा, इट विल बी ओनली जूम कॉल्स। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके थैंक यू सर।